सर वो मैं पिछले महीने भी आया था उत्तराखंड, आम रोजगारियों की पेंशन नहीं पड़ी अभी। नहीं पड़ी सर, मैं उसको फोन करता हूँ साहब पटवारी को ना, तुम्हारा काम पटवारी के पास बताओ, पटवारी जब तक रिपोर्ट नहीं देगा ना, तो मैंने पटवारी से कहा था पिछली बार, मैंने कहा यार इस काम को कर दो, इसको एक रिपोर्ट रिपोर्ट बनाओगे इसमें जी। फिर पटवारी ने कहा यार मैं अपने आप करूंगा, तो अब तक उसने किया नहीं इसका मतलब, मैंने सोचा कर दिया उसने। ये तो गलती पटवारी की भी होगी ना सर, लापरवाही हो रही। नहीं हाँ लापरवाही तो है यार, मैं कर रहा हूँ सात 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 महीने से अटक रहेगा और उसी पे हमारा मतलब खर्चा पड़ता चलता है। और पिछले सात महीने से पेंशन नहीं आया और घर की स्थिति क्या है क्या बताऊँ आपको। ऐसे होता है जब किसी गरीब के साथ होता है ना, क्या करें, एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, पिछले छः सात महीनों से पेंशन नहीं आई है, दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सरकार की उन मंत्रियों तक ये वीडियो जाना चाहिए जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की वजह से आज बढ़िया ढंग से राज चला रहे हैं। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है, आज सर दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। क्या करें, जब कुछ चैलेंज होते हैं वो लेने पड़ते हैं और जब आप उन चैलेंज पे खड़ा उतरते हैं तभी जाके आप ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगणा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो वहीं मौसम की बात कर लेते हैं, मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ़ है और यानी कि तीन चार दिन से तो साफ ही चल रहा है, बाकी सूर्यदेव यहां आ गए हैं। आज की जो ब्लॉग की शुरुआत 11 बजे से हो रही है, क्या करूँ, मैं सोया रहा दो तीन घंटे तक, सोचा सर दर्द कम होगा लेकिन नहीं हो रहा है। पर एक मजबूरी भी है, आज मजबूरी ये है कि आज मुझे फिर से जाना पड़ रहा है तहसील में, क्योंकि क्या करें, एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, पिछले छः सात महीनों से पेंशन नहीं आई है, दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब गलती किसकी है क्या बताऊँ मैं, गलती हमारी है कि हम आंदोलनकारी थे, यही गलती हमारी हो सकती है। बाकी अगर किसी नेता के साथ ये होता ना तो आज मेरे ख्याल से वो लोग ड्यूटी से बर्खास्त हो चुके होते, लेकिन गरीबी का रोना हमारे लिए हमेशा होता है और उसी रोने पर ज़िंदगी काट रहे हैं, क्या करें। फिर से तहसील में जाना पड़ रहा है क्योंकि पिताजी का फ़ोन आया कि आंदोलनकारियों की पेंशन तो फिर से पड़ चुकी है, लेकिन पिताजी की पेंशन पिछले छः से सात महीने से अभी तक नहीं पड़ी है। एक बार फिर जाता हूँ, देखता हूँ क्या बहाने करते हैं, क्या ड्रामे करते हैं, एक गरीब को तो ऐसे ठुकाया जाएगा। तो एक बार चलते हैं फिर से, ज़रा पता करते हैं कि क्या हो गया, पिछली बार तो आपने कहा था कि आ जाएगी लेकिन इस बार भी क्या हो गया। अब देखते हैं उनका क्या बहाना होता है, क्योंकि उनको तो तनख्वाह मिल ही रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठोकर तो हमें खानी है, दर दर हमें भटकना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और पिछले सात महीने से पेंशन नहीं आया और घर की स्थिति क्या है क्या बताऊँ आपको। ऐसे होता है जब किसी गरीब के साथ होता है ना, फिर ऐसे होता है। मेरा एक सहारा है सोशल मीडिया, उसी पर मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। अगर आप लोग हो सकता है तो वीडियो को शेयर करो, सरकार की उन मंत्रियों तक ये वीडियो जाना चाहिए जो आज राजशाही कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलनकारियों की वजह से आज बढ़िया ढंग से राज चला रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड आंदोलनकारियों की कोई फिक्र ही नहीं जिनको। चले चलते हैं, दिखाते हैं जरा क्या हो रहा है वहाँ, फिर से एक बार तहसील में चलता हूँ। बाकी यहाँ की बात करूँ तो धूप आ रखी है और बिंदु और मधुली धूप सेक रहे आराम से, तो चले जरा चलते हैं। और शेरू महाराज गायब हो रखे हैं, यहाँ से साइड ड्यूटी पर जा रखे हैं। और इधर की बात की जाए तो बहन बना रही है खाना, बना रही, चल बढ़िया बढ़िया बना बना, ठीक है ठीक है। तो माँ तो चले गई है, काके माँ, तो माँ गोबर डाल रही है खेतों में, माँ का जीवन काम करने के लिए बना है, अभी आवाज़ आ रही है, तो चलिए माँ के दर्शन भी कराते हैं आपको जरा। तो देखिए माँ भी आ गई, माँ लगी काम पर है, मोल रहे नहीं, चल बढ़िया बढ़िया। मैं थोड़ा तहसील हुए थे, ये पेंशन नहीं पड़ वाला है ना, फिर ननवे के बार पेंशन नहीं पड़ वाल पिताजी, हाँ चल ननो माज है। देखिए माँ भी एकदम शौक हो गए हैं, क्या हो गया बोलिए, होता है यार क्या करें, गरीबों को तो शौक होना पड़ता है। आराम तो उन बेचारों के जो बैठ रखे वहाँ, जिनको तनख्वाह मिल रही है कम से कम, और ऐसा दिखा रहे जैसे कि अपने जेब से उन्होंने पैसे देने हमें, क्या बताएं यार। चलिए चलते हैं जरा। तो भाई मैं बाइक लेके आया क्योंकि बाइक में कुछ काम था, तो कल जैसे मैं उत्तरकाशी से आया तो कुछ आवाज़ कर रही थी बाइक, तो कल जैसे मैं उत्तरकाशी से आया तो बाइक कुछ आवाज़ कर रही थी, इस वजह से मैं बाइक लेके आया हूँ। और नीचे है तहसील, तो जरा देखते हैं पूछते हैं जरा क्या हो रहा है, एक बार फिर से पूछते हैं जरा। तो चलिए तहसील में चलते हैं जरा। तो चलिए मैं फिर से आ गया हूँ तहसील में, तो देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अभी मैं अपने गांव की तहसील में आ रखा हूँ और यहाँ जैसे कि आपको पता है मैं पिछले डेढ़ महीने से आ रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी नाजिर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पटवारी जी ने डेढ़ महीने से अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाई, यानी कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या बताऊँ मैं, मुझे बार बार आना पड़ रहा है और दूसरी बार आ चुका हूँ, पटवारी जी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाई और काम को
बार बार स्टे किया जा रहा है। इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। बाकी ये हमारे गांव की तहसील है, तो देखते हैं अभी एक हफ्ते में होता है काम कि नहीं होता है, या मुझे फिर से आना पड़ता है क्योंकि आंदोलनकारी का बेटा हूँ, बार बार भटकना पड़ेगा। ठीक है सर, तो चलिए मैं तहसील से होके आ गया हूँ और बाकी आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ अभी कि जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने क्या कहा। एक बार आप रिकॉर्डिंग सुनिए जरा। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। वो मैं पिछले महीने भी आया था उत्तराखंड, आंदोलनकारियों की पेंशन नहीं पड़ी अभी। नहीं पड़ी सर, अभी तक नहीं पड़ी सर। पिछले महीने भी आया था मैं दिसंबर में, आपने बोला था पड़ जाएगी, लेकिन परसों बोल सबकी पड़ गई, अभी तक नहीं पड़ी। मैं उसको फोन करता हूँ साहब पटवारी को ना, तुम्हारा काम पटवारी के पास पठाओ, पटवारी जब तक रिपोर्ट नहीं देगा ना। सर उस दिन तो आपने बोला था हो जाएगा, बल मैंने बोला पटवारी को, मैंने कहा रिपोर्ट दे दो यार इसमें। फिर सर पटवारी ने रिपोर्ट नहीं दी, तो मैं पटवारी से रिपोर्ट लेता हूँ अभी, तब ढूंढा जमा करता हूँ तो आ जाएगी, एक बार आ जाएगी वो तब। सर थोड़ा पता करो ना सर, क्यों नहीं आ रही, छह महीने वो सात महीने ना, वो इतना में खुला मैंने किसी बात पता किया था ना। तो पटवारी ही रिपोर्ट देगा कि हाँ ये आदमी मतलब जीवित है और हिमाचल में रहता है, इस तरीके से लिख के देना पड़ेगा ना पटवारी को। अच्छा, क्योंकि बीच में वहाँ नहीं आए ना उत्तराखंड, उसमें जो राज्य आंदोलनकारी होते हैं इनका 9 नवंबर को। अच्छा हाँ, तो उसमें वो एक एक वो देते हैं, सोल देते हैं ना। नहीं तो उसमें नहीं आए ना, था पेंशन तो जुलाई से आता रहेगा ना ये। हाँ तो उसी की वजह से रुकी है वो, क्यों लिस्ट निकली। अरे इन्होंने यहाँ बोला भी नहीं, हमें सूचित नहीं किया गया कि सोल मिला था कि नहीं मिला, यहाँ बताया नहीं, इन्होंने बताना था ना। हाँ वो अध्यक्ष को बताना चाहिए ना यार भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अध्यक्ष के नाम भी चिट्ठी दे देते हैं, अध्यक्ष को चिट्ठी दे देते हैं ना। वही तो सर, हमें बताया भी नहीं कुछ नहीं क्या, ऊपर से पेंशन। तो मैंने पटवारी से कहा था पिछली बार, मैंने कहा यार इस काम को कर दो, इसको एक रिपोर्ट रिपोर्ट बनाओ इसमें जी। फिर पटवारी ने कहा यार मैं अपने आप करूंगा, तो अब तक उसने किया नहीं, इसका मतलब मैंने सोचा कर दिया उसने। ये तो गलती पटवारी की भी होगी ना सर, लापरवाही हो रही नहीं। हाँ लापरवाही तो यार, सात महीने से अटक रहेगा और उसी पे हमारा मतलब खर्चा पड़ता चलता है, मतलब पिताजी पैसा तो सबके लिए इम्पोर्टेंट रखता है ना, वो तो मैं समझता हूँ बोला जी सर। लेकिन करूँ क्या, मैंने पटवारी को 3 बार कह दिया ये बात ना, जब से तुम आए मेरे पास 3 बार मैंने पटवारी को कहा, मैंने कहा पटवारी जी इसमें कर दो। अच्छा तो अगर नहीं होगा तो मैं एसडीएम के पास जाता हूँ फिर। ना ना ना, मैं पटवारी से बात करता हूँ, मैं जाता हूँ तब मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं एक महीने पहले भी आया था यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पटवारी से बात करता हूँ अभी जी, करो जरा जल्दी बात। ठीक है, तो आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, तो बोल रहे की पटवारी जी ने रिपोर्ट ही नहीं बनाई, तो मतलब एक उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ ऐसा हाल हो रहा है कि एक 1.5 महीने से मैं भटक रहा हूँ, पिछले 7 महीने से पेंशन नहीं आई, तो वो बोल रहे कि उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि हम उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, हमारी कोई ज़्यादा नहीं सुनेगा, किसी मंत्री के जानने वाले होते तो शायद घर में आके वो काम करते हमारे, लेकिन हमारी आप बदकिस्मती बोलिए या कुछ भी बोलिए, हमारी बदकिस्मती यही है कि हम उत्तराखंड आंदोलनकारी वाले हैं। तो मैं तो वहाँ गया, मैंने तो सीधे वीडियो बनाया, क्योंकि भाई मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि एक गांव में एक उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ ऐसा भी होता है। बाकी चलिए देखते हैं, अभी एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, एक हफ्ते में काम होता है कि नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो मुझे डीएम तक जाना पड़ेगा। कभी कभी तो लगता है कि ये जो नियम है ये सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए हैं, ये जो संविधान है ये सिर्फ गरीबों के लिए है, बाकी उनके लिए कोई भी नियम नहीं है। तो देखते हैं, अगर एक हफ्ते में काम होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे तक जाऊँगा, क्योंकि भाई मैं सोशल मीडिया का सहारा ले सकता हूँ और आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, आप लोग ही कुछ मेरी मदद कर सकते हैं। तो चलिए भाई, बहन जा रही है आज अपने गांव, ये कल आई थी, मैं तो कल मेले में था तो कल आया था मैं, लेकिन ये आज जा रही है अपने घर और ये ले जा रही है यहाँ से नींबू, यानी कि हमारी भाषा में बोलते हैं कागजी। ये भी कागजी, ये है माल्टे और ये है कागजी, तो इसको ले जा रही है आज। किस टाइम जाएगी? चल ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी माँ भी लगी है काम पे। चल ठीक है, माँ बोल रही कि थोड़ा खाना खा लो, तो चलिए थोड़ा खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लग गई है और कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि जब से आया हूँ तब से सर दर्द ही हो रहा है, तो मेरी मजबूरी थी अभी जाना पड़ा मेरे को तहसील में। यार टेंशन तो होती है ना, पिछले 7 महीने से पेंशन नहीं आई, तो देखा आपने क्या क्या हाल हो रहे, ये सिस्टम चल रहा है अभी, क्या बताऊँ यार। चलिए अब थोड़ा खाना खा लेते हैं, तो चलिए देखते हैं खाने में क्या बना रखा है आज। तो देखिए भाई, एक प्रेशर नीचे और एक चूल्हे के ऊपर है, एक पे तो दाल है और एक पे है चावल, और कितने लाइन से लगे हुए दोनों। चले जरा जल्दी जल्दी खाते हैं, गर्मा गर्म चावल भाई, भाप निकल रही है। तो सबसे पहले जब खाना खाते हैं तो हमारे पहाड़ों में जो अन्न बनता है वो पहले अन्न देवता को चढ़ाया जाता है, यानी कि अग्निदेव को, क्योंकि इसी से ये खाना बना है, तो सबसे पहले अग्निदेव को खाना चढ़ा दिया है, बाकी यहाँ रख दिया। जय हो। तो
तो आज जो खाना बना है वो है चावल और अरहर की दाल। तो चलिए अब गर्मा गर्म खाने का मजा लेते हैं। तो भाई खाना मैंने खा लिया, वो बाकी सरदर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी शेरू महाराज भी आ गया है ड्यूटी से। शेरू आ गया तू? ठीक है, बाकी गोली है इसको खा लेता हूँ। सुबह से भाई दो गोली खा ली लेकिन अभी तक नहीं रुक रहा है। कुछ तो इन्होंने टेंशन दे दी तहसील वालों ने कि पेंशन ही नहीं आ रही 6-7 महीने से। फिर होता ना, फिर जब टेंशन होती फिर सरदर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्या करें यार। बाकी अब थोड़ा बिस्तर लगाता हूँ, सो जाता हूँ। तो चले वे बहन भी जा रही है आप अपने घर और माँ इसको छोड़ रही है ऊपर तक। या ये है माँ का बैग हो गया तैयार। कहाँ आगे तक जा रहे हो? चल 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 ठीक है फिर। हाँ ठीक है फिर, ठीक जाओ जाओ। तो भाई अपना बिस्तर तो ये लग रखा है और मुझे हो रहा बहुत ज़्यादा हेडेक, यानी कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ, लेकिन ब्लॉगिंग तो करनी है। तो चलिए बहन भी चली गई और कोई जाता है तो उसके बाद उदास भी लगती है, लेकिन क्या करें, थोड़ा आराम करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो भाई दिन की 2 बज गए हैं और धूप पहले वहाँ पे थी, मेरे बिस्तर भी वहीं पे था, वहाँ से मैं इधर आ गया हूँ और सरदर्द रहने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने 2 गोली ऑलरेडी खा ली है, अब तीसरी खाने की बारी भी आ गई। बाकी आप देख सकते हैं सूर्यदेव अपने लास्ट पोजिशन पर है और शेरू भी यहाँ पर बैठ रखा है। तो कुछ इस प्रकार है अभी गाँव का नज़ारा और धूप आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे आ गई। मेरे बिस्तर हम मेरे को यहाँ पे हल्का और करना पड़ेगा, यानी कि 15-20 मिनट की धूप है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने 1.5 घंटे से सो रखा हूँ लेकिन अब तक सरदर्द नहीं रहा मेरा। पता नहीं यार क्या हो रहा है आज। अनीता भी थोड़ा देर में आएगी क्योंकि अभी तो 2 बज रही है, यानी कि 1-1.5 घंटे बाद आएगी। तो तब तक थोड़ा और आराम कर लेता हूँ, जब आएगी तब गर्मा गर्म चाय पीऊँगा। माँ तो जा रही है घास के लिए। चलिए अपने बिस्तर को थोड़ा और इधर खींचते हैं। भाई आजकल तो मौसम ऐसा कि मतलब मन कर रहा है कि धूप जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं हम भी जाएं, काफ़ी ठंडा हो रहा है। चले थोड़ा और आराम कर लेता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बिना गोली खाए सर दर्द रह जाए क्योंकि मैंने 2 गोली तो खा लिए, ज़्यादा गोली खाने से भी लॉस होता है। तो भाई लगभग 20-25 मिनट बाद यहाँ से धूप चली गई, अब अपना बिस्तर पैक करना पड़ेगा भाई, अब तो ठंड लगने लग गई। बाकी सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे छुप गए। बाय बाय सूर्यदेव। भाई सरदर्द अभी भी नहीं रहा भाई, पता नहीं आज क्या हो रहा है। बाकी शेरू महाराज, हाँ जी बैठ रहे क्यों? मुझे जब थोड़ा बहुत गहरी नींद आ रही थी तब ये भौंक रहा था, मेरे ख्याल से अब बंदर देख रहा था तो ये भौंकना स्टार्ट कर रहा था, तो मेरी नींद टूट रही है, तो हो सकता है उस वजह से भी सरदर्द ना रह रहा हो। प्रणाम 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 प्रणाम। तो भाई 3:30 समय हो चुका है और बाकी अनीता भी आ गई है। ए राम क्या किया तूने, डांस? तो अनीता बोल रही कि आजकल काफी थक लग गया है, पता नहीं इसने पढ़ाई की डांस क्या हुआ, ये भी हम कंफर्म नहीं बता सकते भाई। बाकी देखिए आप ऐसा हो गया और मौसम पूरी तरीके से पैक होने लग गया, तो कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे गाँव का। तो भाई 4:00 और अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है और ये है मेरी चाय और एक अनीता की चाय। तो चले वे गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं। धन्यवाद जी चाय बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैकम कन बैकम। तो भाई ये वेलकम को बैकम बोल रही है, काफी बढ़िया इंग्लिश है भाई, मजा आ गया। तो भाई मैंने तो अपनी चाय खत्म कर ली है, बाकी ये लगी चाय पीने पे। ए बाबा ये देखिए मेरी तरफ पीट कर दी और तब पी रही चाय। अरे वाह तनिक हिला तो आ, थोड़ा हिला तो आ। तो चले अगर ज्यादा उस पर कैमरा करूंगा तो चाय नाक से बाहर फेंक देगी, इसलिए उसको चाय पीने देते हैं। और गौशाला की बात करें तो माँ तो लगी है आगे टाइम से काम पे, और देखिए कितने घीड़े लेगे माँ गोबर, 4 घीड़े लेगे आगे टाइम से। बाकी माँ की जो जिम्मेदारी होती है वो मधुली और बिंदु के साथ साथ गौशाला की सफाई करना भी होता है। तो आप देखिए यहाँ हो रही है सफाई और ये जो गोबर इकट्ठा हो रहा है इसको खेतों में ले जाया जा रहा है। जिस प्रकार हमें अपना घर साफ रखना पड़ता है उसी प्रकार माँ को भी मधुली और बिंदु का जो घर है एक हिसाब से इसको भी साफ रखना पड़ता है। बाकी शेरू का हलवा, का हलवा बड़ा बा। और इधर देखिए तो अनीता इधर देख रही कहीं, हाँ जी कहाँ देख रहे हो आप? ए बाबा क्या एक्टिंग है, अरे वाह। तो चलिए भाई जो भी है सही है। बाकी ये लगी अपना इंजॉय करने पे, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, अब 1 घंटे बाद रात पड़ जाएगी। तो भाई 6:45 बज गए और बाहर रात पड़ चुकी है,
तो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको एक बार। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है और हर घर में लाइट खुल गई है, तो रात के बाद हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। बाकी शेरू महाराज भी यहाँ पे सो रखे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।